टू द चैनल बेट करिकुलम आज का हमारा डिस्कशन होगा एग्ज़ाम पेपर के लिए ये प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है फर्स्ट पेपर के लिए ये पेपर है मेजरमेंट आम एवेलुएशन और बी एड थर्ड सेम का ये एग्ज़ाम है इसके लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपल्सरी होगा इसमें जो है आठ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसके बाद हर एक यूनिट चार यूनिट्स होंगी उसमें से आपको दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव एवेलुएशन से संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है ये बताइए फिर आ जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेलुएशन तो मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है ये बताइए टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं ये बताइए रियलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट क्या होता है ये बताइए और प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज मेंटल एज़ का क्या कॉन्सेप्ट है ये बताइए लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम तो आज के टाइम पे जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसकी क्या लिमिटेशन है ये बताइए पर्पज़ ऑफ़ प्रिपेयरिंग फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या परपज़ होता है फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने का इसके बारे में पूछा है अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा गया है मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछी गई हैं एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम की तो सेमेस्टर सिस्टम की क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं उनके बारे में बताना है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो यूनिट फर्स्ट में दो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द नीड एंड पर्पज़ ऑफ इवेलुएशन तो क्या नीड है इवेलुवेशन की इवेलुएशन क्या है और इसका पर्पज़ क्या है ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में फिर इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मैंशन वेरियस लेवल्स ऑफ मेज़रमेंट तो मेज़रमेंट के जो लेवल्स हैं उनके बारे में आपको बताना है कौन कौन से स्तर हैं इसके मापन के फिर आपको बताना है वेरियस टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट टेक्निक्स गिवन सुटेबल एग्जाम्पल्स तो हर तरह की मेज़रमेंट टेक्निक्स को आपको बताना है और उसके एग्ज़ाम्पल के साथ उन्हें एक्सप्लेन करना है तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो चॉइस में मिला था यूनिट फर्स्ट में अब यूनिट सेकंड की बात करते हैं यूनिट तो सेकंड में आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो एक अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपको बताना है इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है पॉइंट आउट द कैरेक्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या के टाइप्स होते हैं ये आपको बताना है और फिर इसी में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आपको बताना है, with example, इसमें explain करना है अब आगे आपको बताया गया है इसमें कंस्ट्रक्ट वन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम ऑफ ईच टाइप तो आपको किसी एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना है उसके हर एक तरीके को लेकर अब यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है सी सी ई से कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको कहा जाता है हिंदी में और हाउ आर दे यूजफुल फॉर द एसेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स तो किस तरह से ये यूजफुल रहते हैं किस तरह से सहायक रहते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए उनकी प्रोग्रेस को देखने के लिए ये आपको बताना है इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन मिल जाता है चॉइस में कि व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन द प्रेजेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया तो क्या क्या आज के टाइम पे डिफेक्ट्स हैं प्रेजेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम में इंडिया के और कुछ उसके लिए आपको सजेशन दे, देना है कि इन सिचुएशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अब यूनिट फोर्थ की बात करेंगे तो यूनिट फोर्थ में दो क्वेश्चन आपको चॉइस में दिए गए हैं पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेसिस पे है जिसमें आपको कोरिलेशन रिलेशन कोफिशियंट निकालना है बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंस मैथड तो रैंक डिफरेंस मैथड का यूज़ करके आपको को रिलेशन ज्ञात करना है तो उसके लिए ये डेटा दे रखा है स्कोर इन मार्थ का और स्कोर इन हिंदी का अब इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाएगा मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसी के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या मेजर्स हैं ये आपको लिखने हैं अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये बी थर्ड साम के लिए पेपर है और इसमें आपको मेजरमेंट एंड एवेलुएशन का ये फर्स्ट पेपर है इसमें आपको जो है तीन घंटे का टाइम दिया जाए मैक्सिमी मार्क्स का ये पेपर है और क्वेश्चन नंबर वन इसमें कंपल्सरी होगा जिसमें आठ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और फिर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैंड करना रहता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके आठ हर एक क्वेश्चन चार नंबर का होगा और थर्टी टू नंबर का टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें आपको पहला क्वेश्चन है बताना है कि इवेल्युशन का क्या मतलब है तो मूल्यांकन का क्या अर्थ है ये समझाइए फिर आपको डिफरेंस बताना है मापन और मूल्यांकन में मेजरमेंट एंड एवेल्युशन में आपको डिफरेंस बताना है राइट अबाउट ऑब्जर्वेशन टूल तो ऑब्जर्वेशन टूल के बारे में आपको लिखना है वट डू यू अंड क्या समझते हैं ये आपको बताना है सी जी पी ए से आप क्या समझते है ये आपको बताना है सी जी पी ए के बाद क्वेश्चन आ जाता है सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में आपको बताना है कॉन्टेल डिवेजन से क्वेश्चन है इसके बारे में आपको बताना है और को रिलेशन टर्म को आपको डिफाइन करना है तो ये आपके आठ शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप तो है, तो है। है। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आ जाता है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट से तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना है फिर आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ एवेल्युशन विद देयर सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करना है यूनिट सेकंड की बात करेंगे तो यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोमेट्री एंड रेटिंग स्किल की आपको इम्पोर्टेंस बतानी है और फिर दूसरा क्वेश्चन में आपको चॉइस में मिल जाता है ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड इवेलुएशन सिस्टम टूल तो गुड इवेलुएशन टूल्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है अब यूनिट थर्ड के बारे में बात करेंगे तो यूनिट थर्ड में आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है डिफरेंस अप्रोच डिफरेंट अप्रोचेज इन इवेलुएशन तो इवेलुएशन की अप्रोचेज आपको बतानी है और उसी के साथ बताना है डिस्कस द क्राइटेरियन आन नॉम रेफरेंस एवेलुएशन इन डिटेल तो क्राइटेरियन और नॉम रेफरेंस इवेलुएशन क्या होता है ये आपको बताना है अब इसी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा चॉइस में इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बताना है एंड हाउ कैन वी मेजर इट फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के लिए कैसे मेजर किया जाता है इंटेलिजेंस को ये बताना है अब यूनिट फोर्थ की बात कर लेंगे तो यूनिट फोर में भी आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे चॉइस में पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा हाईलाइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो डिस्पर्जन की कैरेक्टरस्टिक्स बतानी है आपको फिर इसी के साथ बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके यूजेस बताने हैं सेकेंड क्वेश्चन आपको चॉइस में मिलता है मीडियम के बारे में बताना है और परसेंटाइल के बारे में आपको लिखना है तो ये था 2018 का पेपर और इसमें आपको हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का मिलेगा अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे जो 2019 का है ये मेज़र मेज़रमेंट एंड एवेलुएशन का पेपर है बी एड थर्ड सेमेस्टर के लिए तीन घंटे का ये पूरा पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें एटी रहेंगे फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंपलसरी रहता है जिसमें आठ शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं हर एक क्वेश्चन चार मार्क्स का होगा और टोटल आठ आठ क्वेश्चन होंगे इस तरह से ये थर्टी टू नंबर्स का पूरा हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दो चॉइसेस मिल जाती हैं तो यू, हर एक यूनिट में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग में जो एक एक क्वेश्चन इसमें बारह नाम नंबर का होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है आपको फिर आप रियलिबिलिटी से क्या समझते हैं ये बताना है आपको परसेंटाइल क्या होता है ये बताना है एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आपको नंबर दे रखा है फिफ्टी परसेंटाइल पी उसके सफिक्स में लिखा है फिफ्टी तो ये इससे आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको मैंसन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रोजेक्टिव टेक्निक के क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये बताना है आपको डिफ्रेंसीशन करना है आपको क्राइटेरियन नॉन नॉन रेफरेंस टेस्ट में फिर आ जाता है लिस्ट करना है आपको मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मीडियन मीडियन के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं और फिर आपको ब्रीफ नोट लिखना है इन्वेंट्रीज़ पे फिर आपको बताना है सोशियोमेट्री क्या है अब बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे आपके तो आपको एरर्स बतानी है मेजरमेंट एंड एवेलुएशन में क्या क्या एरर्स हैं फिर आपको लिखना है हाउ विल यू मिनिमाइज दीज एरर्स तो किस तरह से क्या यूज करके आप इन एरर्स को कम कर सकते हैं ये बताना है आपको कॉन्सेप्ट बताना है आपको मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन का एंड वाई इवेल्युएशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग प्रोसेस तो इवेलुएशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है टीचिंग प्रोसेस में इसको आपको लिखना है फिर यूनिट सेकेंड की बात करेंगे तो यूनिट सेकेंड में आपको टूल्स ऑफ इवेलुएशन बताना है और डिस्कस करना है रिलायंस इन सब का फिर आपको दूसरा क्वेश्चन इसी में चॉइस में मिल जाता है रेटिंग स्केल क्या होता है ये बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल आपको बतानी है विद देयर एग्जांपल्स तो उनके उदाहरण के साथ ही आपको एक्सप्लेन करना है अब आपको यूनिट थर्ड में क्वेश्चन मिल जाता है इसमें पहला क्वेश्चन है क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट बताइए और हाउ कैन क्रिएटिविटी बी एसेस्ड इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट तो कैसे क्रिएटिविटी को एसेस किया जाता है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में ये बताना है फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवेलुएशन अप्रोच बतानी है आपको उसके एग्जाम्पल्स के साथ तो आपको संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन बताना है उसके उदाहरण के साथ में फिर आपको मूड डिफाइन करना है यूनिट फोर्थ में पहला क्वेश्चन आ जाता है मूड का और इफ़ द मीन ऑफ एनी डेटा इज़ ट्वेंटी तो अगर किसी डेटा का मीन ट्वेंटी हो जाता है ट्वेंटी एंड द मीडियन इज़ नाइनटीन पॉइंट थ्री वन और इसका मीडियन नाइनटीन पॉइंट थ्री वन है तो इसका मूड क्या होगा ये आपको बताना है राइट शॉर्ट नोट आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है शॉर्ट नोट लिखना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर में और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे आपको शॉर्ट नोट देने हैं तो ये आपका दो हज़ार उन्नीस का क्वेश्चन पेपर था मेजरमेंट एंड एवेलेशन के लिए थैंक यू वेरी वन